Welcome to Dr. Kantha Bhutra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 2 for you and me. Is it the same medicine? Anju, actually मेरे पास है ना एक NRI patient आया था, उसकी हकीकत बताती हूँ। हकीकत सही है पर इसमें बहुत बड़ा मेडिकल हादसा भी हो सकता है। ये आदमी का नाम अपन राजू भाई रख देते हैं। 60 साल के राजू भाई अमेरिका में रहते हैं। वो यहाँ से आके तो 15 दिन हो गए थे। पूरा मेटाबॉलिक कर्मा बोलती हूँ, पूरी बॉडी सिस्टम बिगड़ी हुई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। उन्होंने आए मेरे सामने बैठे, काफ़ी अच्छे पहचान बने थे मेरे और अभी भी है। उन्होंने बोला, कांता भाई हमारे साथ एक बहुत मोटो हादसो था, जो उनका स्पाइन का ऑपरेशन 6 महीने पहले हुआ था और उसमें टीबी निकली थी। पोस्ट ऑपरेटिवली उनको काफ़ी तकलीफें हो रही थी, फिर फिजियोथेरापी से इससे वो चलते तो अच्छे से हो गए थे। तब उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर ने बताया है कि टीबी की 4 गोलियां सुबह उठ के भूखा पेट पीनी है। मैं क्या सही है, 6 महीने से तो पी रहा हूँ। मैं कि चलो आपकी दवाइयाँ चेक करते हैं। राजू भाई मैं तो टीबी नहीं, एक पन दवा नहीं देखा थी। जब राजू भाई ने मेरे को बताया कि मेरी टीबी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है और मैंने इंडिया से मेरा पत्ता भेज के मेरे गांव के नज़दीक में से मंगवा ली है, तो मैंने बोला चलो ना मैं चेक कर लेती हूँ कौन सी गोलियाँ है। मेरे को जस्ट उसमें पावर कितनी है देखना था, तो मैंने देखा वहाँ तो उनके पास एक रोबिनक्स बोल के गोली थी। वो तो मसल रिलैक्सेंट गोली है। मैं कि राजू भाई ये तो मसल रिलैक्सेंट गोली है, आप ये कैसे ले रहे हैं और वो भी 4 एक साथ में, कोई तकलीफ नहीं है? बोला तकलीफ नहीं है। मेरे को ये सरप्राइजिंग लगा। मैं कि ये टीबी की दवा नहीं है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। मैडम हो सकता है कि उन्होंने जो पत्ता भेजा दवाई लेने के लिए वही मसल रिलैक्सेंट वाला पत्ता हो। ये मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वो 4 गोली टीबी की तो एकदम अलग होती है। कोई भी दवा वाला इतनी बड़ी तो भूल नहीं करेगा, वो पत्ता ही बदली हो गया। उनकी दवा कैसे बदली हुई मेरे को मालूम नहीं, पर मेरे को एकदम टेंशन आ गया। मैंने उनको बोला, राजू भाई आप बाहर जाके बैठो, आपके बेटे को फ़ोन करो, उनको बोलो प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करके तुरंत भेज दे। वो 15 मिनट के बाद अंदर आए। उन्होंने बोला प्रिस्क्रिप्शन आ गया, देख लो। मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा, उसमें टीबी का 4 गोली वाला कॉम्बिनेशन नहीं था। 6 महीने हो गए थे, शायद डॉक्टर ने दवा बदली कर दी थी। उसमें सिंगल गोली, उसमें सोलोनिक्स 300 लिखा हुआ था। वो आइसोनिक्स बोल के टीबी की गोली होती है, तो एक्चुअली तो उनकी गोली भी बदल गई थी। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी बड़ी बीमारी में आप ऐसी लापरवाही, आपकी दवाइयाँ समझे बगैर आप पूरा इतना लंबा ट्रेवल और बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी जहाँ से ही निकल रहे हो वहाँ पे आपको भाषा समझ में आए नहीं आए, साथ में किसी के ले जाके भी आप दवाइयाँ समझ लो, दवाइयाँ बराबर रिफिल करा के लाओ। और चलो रिफिल भी नहीं की है तो प्रिस्क्रिप्शन रखो और जेनेरिक दवा के साथ में नाम चेक करो। अगर समझो ये राजू भाई ये टीबी की दवा बंद हो जाती और वो टीबी उतला खा जाती तो क्या? सो ऐसे दवाइयाँ आप मत लीजिए।